आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, आज जिस कॉमेडियन की मैं बात कर रही हूं, वो जिंदगी भर रोते रहे, तड़पते रहे और दर बदर भटकते रहे और फिर भी लोगों को हंसाते रहे, और वो थे मोहन चोटी। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, जो कौरव ने पांडव से की हाथा पाई, जो की हाथा पाई तो मैं क्या करूं। मोहन चोटी बहुत छोटे से थे तो राजस्थान से भागकर मुंबई आ गए एक्टर बनने के लिए, और बन गए जूनियर आर्टिस्ट। काफी अरसे तक वो भीड़ में खड़े रहते थे। उसके बाद कुछ छोटे मोटे रोल भी उन्होंने किए, लेकिन बड़े बड़े आर्टिस्टों में सामने। लड़कियां दो तरह की होती है, एक तुम्हारी जैसी जिसके आती घर में उजाला हो जाता है, और दूसरी वो जिसके जाती घर में दिवाला हो जाता है। इतनी बुरी है वो? लग, वो तो सोते में क्या जागते में भी रुपयों का सपना देखती है, और उसके माँ बाप को उसका नाम रूप नहीं रुपया रखना चाहिए था। और अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं तो सुश्री को खाने के अंदर जहर ही खिला दूं। मोहन चोटी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन थे बड़े तिगड़मबाज, और अगर मैं बम्बई की भाषा में कहूँ तो जुगाड़ करने में माहिर थे। मोहन चोटी ने कुछ लोगों को पटाया और खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए, और उनकी पहली फिल्म का नाम था धोती लोटा और चौपाटी। जी हुजूरी और खुशामद की दुनिया में भक्त जनों, जी हुजूरी और खुशामद की दुनिया में भक्त जनों, छोड़ के हर भगवान की पूजा इस देवी के शरण पड़ो, छोड़ के हर भगवान की पूजा इस देवी के शरण पड़ो, चमचकरी का पाठ पढ़ो भाई, चमचकरी का पाठ पढ़ो, चमचकरी का पाठ पढ़ो भाई, चमचकरी का पाठ पढ़ो। 1977 में उन्होंने एक और फिल्म बनाई, और उस फिल्म का नाम था हंटर वाली, और बहसियत संगीतकार अन्नू मलिक को सबसे पहले ब्रेक दिया था मोहन चोटी ने। मैंने टेलीविजन पर जब मोहन चोटी का इंटरव्यू लिया तो दिल खोल कर उन्होंने मुझसे बातें की। कहने लगे, तबस्सुम जी, फिल्मों में मेरा आना और जाना बिल्कुल ऐसा रहा जैसे चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। मेरी फिल्म हंटर वाली बुरी तरह फ्लॉप हो गई, और मैं पाई पाई को मोहताज हो गया। मेरे पास जो कुछ भी था, पैसा, रुपया या प्रॉपर्टी, सब कुछ खत्म हो गया, चला गया। आखिरी दिनों में उनकी गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रही थी, इसलिए उन्होंने एक ढाबा खोल लिया, और उस ढाबे का नाम रखा किस्सा रोटी का, ढाबा चोटी का। लेकिन अफसोस कि वो भी नहीं चल पाया। 1940 में पैदा हुए थे मोहन चोटी, और 92 में ये दुनिया छोड़ के चले गए, और इस तरह खत्म हो गया किस्सा रोटी का भी और चोटी का भी। ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूंगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज और करते रहिए सब्सक्राइब।